मनीष का सब कितने बड़े मेरे से भी मिलने आया है, सोनू भैया से भी मिलने आया है और मेरे से ज्यादा बड़ा फैन फॉलोइंग सोनू भैया का है। और देखिए हम लोग बिहार के लोग हैं, ये विकलांग है, नीचे बैठे हुए और हम इनके ऊपर गिर रहे हैं। दूसरा चीज जितना खींचा तानी मेरे साथ होता है उसके बावजूद भी मैं बाउंसर लेके नहीं घूमता हूँ, नहीं घूमता हूँ और कहीं भी भीड़ में उतर जाता हूँ कि नहीं उतर। तो अगर आप लोग मुझे उस हिसाब से रहने दीजिएगा तो मैं बिहार में ग्राउंड रिपोर्टिंग और ग्राउंड पे उतरते रहूंगा। और मान लीजिए कि धक्का मुक्की होगा तो कहाँ से उतरूंगा? अगले दिन से तो मुझे सोचना पड़ेगा, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टूडियो में बैठ कर रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। बिहार के लोगों को मदद करने के लिए शांति बनाए रखते हुए बिहार के लोगों का मदद करेंगे। और सुनिए थोड़ा सा इनको साइड कर दीजिए, लोग इनको साइड कर दीजिए, नहीं पहले इनको निकालने दीजिए, पहले उनको निकालने दीजिए, भैया निकालने दीजिए, ठीक सामने उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं वो विकलांग है जिससे अभी देख सकते हैं। हम सभी लोग जो मेरा विरोध भी करते हैं वो भी हम सभी मिलके बिहार को बताएंगे। मतलब की हमेशा अच्छा लगता है, ये लोग हमेशा खड़े रहते हैं। मनीष भाई एक सवाल है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैन हैं। देखिए जिनके पास भी पैसा नहीं है उनके लिए व्यवस्था किया गया था 3-4 दिन पहले, समझे? बापू सभागार की कैपेसिटी 5500 है और 10,000 लोग आ जाएंगे तो कहाँ से घुसाएंगे? लॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ, इलॉजिकली नहीं बात कर रहा हूँ। 10,000 की कैपेसिटी घुसने नहीं देगा, 20,000 की कैपेसिटी घुसने नहीं देगा तो टिकट तो लगाना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, इसका बुकिंग करने के लिए 2.5-3 लाख रुपया देना पड़ता है, जाके पूछिए लोग। इसका व्यवस्था के लिए तो टिकट तो लगाना पड़ेगा, टिकट लगा हुआ है। जितने लोग आज से पहले जितने लोग आए, हम लोगों को लगा कि इनका मदद किया जाना चाहिए, उनको फ्री पासेस का व्यवस्था हम लोगों ने किया जितने लोग, लेकिन आज थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। आज का मैं बता रहा हूँ, मैंने कम से कम 50 से ऊपर मीडिया वाले के लिए फ्री पासेस का व्यवस्था किया था, सबको टिकट दिया। 50 मीडिया वाले को हम लोगों ने 150 के आसपास टिकट दिया, कोई एक लेके गया, कोई दो, कोई तीन, कोई चार, कोई पांच, लेकिन जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, आज कैसे पॉसिबल है? आप ही बताइए, लॉजिकली आप बताइए। मैंने सवाल इसलिए सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, सही बात है। सही बात है, एक और चीज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा लोग। अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक बिना हंगामा का, क्योंकि बिहार में बड़े सेलिब्रिटी आते हैं तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ मुंह से, बिना हंगामा किए हुए अगर ये कार्यक्रम सफल हो गया तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि हर महीना बिहार में इसी प्रकार का भव्य कार्यक्रम। और मैं भी चंपारण से ही देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग थोड़ा सा जितने भी भाई लोग हैं, शांति बनाए रखें। और एक और चीज है, हाँ बोलिए ना, पूछिए ना। जैसे आप चंपारण से आते हैं, चंपारण वालों के लिए ऐसा कुछ सौगात? देखिए, चंपारण क्रांतिकारियों की भूमि रही है जी। भारत को आजाद कराने में चंपारण का सबसे बड़ा योगदान है, समझे ना? तो चंपारण के सभी लोग जिस दिन जग जाएंगे ना, उस दिन चंपारण के लिए सौगात ही सौगात है। और हम मुख्यमंत्री थोड़ी है कि 4 गो फैक्ट्री खोल देंगे, सही है कि नहीं? लेकिन 4 गो फैक्ट्री के लिए आवाज जरूर उठाएंगे। मनीष भैया जिंदाबाद, मनीष भैया जिंदाबाद।
चाहता हूँ, सुनिए, मुझे इस मुकाम पे पहुँचाने वाला कोई और नहीं, आप ही लोग हैं, आप ही लोग हैं। आज भारत में एक ऐसा पत्रकार आप लोगों ने बना दिया जिसका विरोध भी करते हैं तो मिलियन और सपोर्ट भी करते हैं तो मिलियन, सही है कि नहीं है? तो विरोधियों को भी तहे दिल से धन्यवाद, समर्थकों को भी तहे दिल से धन्यवाद। आखिरी में लेकर के बहुत लोग आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उठाने दीजिए, अभी कोई नहीं उठाया है, पहला आप उठाए, अभी तक कोई नहीं उठाया है, सुनिए, इसमें जितना भी सेलिब्रिटी वाला कार्यक्रम होता है उसके लिए आप पहले इतिहास पढ़ के आइए, ठीक है? थिएटर में भी टिकट नहीं जाता है, मोना सिनेमा हॉल में नहीं देते हैं लोग आप लोग टिकट, आप पहला ऐसा आदमी है जो सवाल उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं, तो उनके लिए व्यवस्था किया गया है, आपको नहीं पता है, कम से कम 1000 टिकट हम लोगों ने फ्री में बांटा है, कितना? 1000 टिकट, जिसमें 150 से ऊपर टिकट मीडिया वालों को दिया है, बिल्कुल दिया, ठीक है? ये चीजें हैं, अगर आपको नहीं मिला तो मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब रखा गया था तब आप नहीं पहुंचे, फेसबुक पे डाल के सबको जानकारी दे के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था उस समय आप नहीं पहुंचे थे भैया, ये आपकी गलती है, ये चीज है। और अभी तक कोई सवाल नहीं उठाया है, क्योंकि सवाल उठाने वाले को पता है बापू सभागार का क्या कॉस्ट है, क्या किस प्रकार से कार्यक्रम कराया जाता है। और एक और चीज सुनिए, एक और चीज, मैं इसमें मीडिया पार्टनर हूँ, ठीक है? मैं कार्यक्रम मेरा नहीं है, सवाल जो उठाना है ना कार्यक्रम वाले से, हाँ समझे ना, तो मेरा नहीं है, लेकिन मुझे पता है 23 तारीख से मेरा भी मनीष होगा, इतना पता है।